गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या पर ओपी राजभर की प्रतिक्रिया मजिस्ट्रेट के कमरे में सीबीआई। सुबसपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा होता है कि जहां लोग न्याय के लिए जाते हैं वहां हत्या हो जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट रूम में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजीव जीवा की हत्या के मामले में ओपी राजभर ने कहा कि दुर्भाग्य है कि पुलिस कस्टडी में प्रयागराज में हत्या हो गई, जुडिशियल कस्टडी में पुलिस की मौजूदगी में हत्या की गई, इसके बाद मजिस्ट्रेट के कमरे में हत्या हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। साथ ही उन्होंने मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर संजीव जीवा की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। ओपी राजभर ने आगे कहा कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर यह सवाल खड़ा होता जा रहा है, जहां लोग न्याय के लिए जाते हैं वहां ये घटनाएं घट रही हैं, उस परिसर में हत्या हो रही है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा जाता है। मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले दारा सिंह चौहान पर ओपी राजभर ने कहा कि कितने दारा बदलने जा रहे हैं, एक दारा के चक्कर में कितने दारा जा रहे हैं, कोई कांग्रेस में भाग रहा है, कोई बसपा में भाग रहा है, कोई बीजेपी में भाग रहा है। इस समय नेता लोग अपनी ड्यूटी सेट करने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव पर क्या बोले ओपी राजभर, वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति पर ओपी राजभर ने कहा कि वो फेल हो रही है। कोई शासक हो या सरकार बनाने के बाद अच्छा शासन देने विकास का काम करने के लिए हर पार्टी प्रयास करती है, हर पार्टी यही करती है। जो भी कोई मुख्यमंत्री होता है उसका प्रयास होता है कि वो अच्छा काम करे।